नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं रविंदर सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स। जो लोग फ़ोन कर रहे थे कि 30-35 लाख की बजट में कुछ सर आप दिखा दीजिए प्लीज़, 3 बेडरूम की अपनी कोठी हो जाए, कुछ ऐसा दिखा दीजिए, तो उनके लिए हम 3 बेडरूम की ये कोठी पीछे आप देख रहे हैं और 3590 इसका रेट है। और पार्किंग के लिए हर घर के आगे ना बरम होती है, जैसे यहाँ पे बरम थी 3 फीट की जिसमें सीवरेज का मेन होल था और पानी की पाइपें थी, तो उसी को यहाँ पे थोड़ा आगे बढ़ाकर ये गेट लगवा कर ताकि एक गाड़ी उसको बाहर को अगर गेट खुलेगा तो एक गाड़ी इसके अंदर प्रॉपर फिट हो जाएगी। और सीढ़ियाँ जो हैं वो अंदर से चढ़ा दी गई हैं ताकि गाड़ी की पार्किंग है पूरी की पूरी घर के अंदर हो जाए। उस एंगल से हम बात करें तो इस कोठी के अंदर हम चल के देखते हैं आगे। यहाँ पूरी की पूरी एक गाड़ी जिसमें 800 ऑल्टो स्विफ्ट इस तरीके की जो गाड़ी है आराम से यहाँ पार्क हो सकती है और गली के अंदर भी पार्क हो सकती है, क्योंकि ये गेटेड सोसाइटी है, बाहर सिक्योरिटी गार्ड बैठे हुए हैं और ये चंडीगढ़ से मात्र 15 किलोमीटर की दूरी पे। अब इसके अंदर काम चल रहा है फॉल सीलिंग का, तो हम साइड वाली कोठी जो है उसको अंदर से दिखा देते हैं। अंडर कंस्ट्रक्शन दिखाने का मोटिव कुछ ये होता है कि आपको जब बन जाती हैं तो रेट अप हो जाते हैं, तो कम रेट में आपको चीज़ मिल जाए। अंदर एंट्री पे ही एक हॉल यहाँ पे, जिसको ड्राइंग रूम हम कह सकते हैं, यहाँ पे बड़ा सोफा सेट लग सकता है पर अंदर से ही सीढ़ियाँ चढ़ी हुई हैं। अब अंदर से सीढ़ियाँ हैं और इस तरफ किचन बन रही है, किचन के बिल्कुल सामने से सीढ़ियाँ जाएंगी और 2 बेडरूम हैं, दोनों बेडरूम के 2 वॉशरूम हैं नीचे। ये 70 गज में बने हुए हैं लेकिन फिर भी खुला इसलिए लग रहा है क्योंकि यहाँ पे जो साइज़ है प्लॉट का वो चौड़ाई में ज़्यादा है, यानी कि 22 फुट फ्रंट है, तो 22 फुट फ्रंट से जो रूम साइज़ है वो काफ़ी अच्छा बन जाता है। मिनिमम 11-11.5 का रूम साइज़ एक तरफ, दूसरी तरफ 12 का रूम साइज़ बन जाता है। तो अब दूसरे एंगल से घुमा के आपको रूम साइज़ के बारे में यहाँ से बता देते हैं। तो यहाँ से अंदर आते ही ये पूरा रूम साइज़ है, ऊपर इसकी फॉल सीलिंग हो रखी है, अभी सूखने वाली है, अंदर टाइल लगा दी है वॉशरूम के अंदर, ये कंप्लीशन हो चुकी है, कच्चा फर्श हो चुका है, POP का एक पेंट मार दिया है, एक अभी ये सामने वॉल पुट्टी पड़ी हुई है, ये और डलेगी, इसका अटैच वॉशरूम है। और दूसरे रूम का भी इधर से हम जाएंगे तो दूसरे रूम में भी यहाँ पे आप ऊपर देखें फॉल सीलिंग हो रखी है, जो काम है फिनिशिंग लेवल पे चल रहा है। अब नीचे जो टाइल है वो लगा देंगे, इसकी सफाई ऑलरेडी टाइल लगी रखी है नीचे, सफाई होने वाली है और पीछे से यहाँ वॉशिंग एरिया का रास्ता है और यहाँ बाहर से इस वॉशरूम की एंट्री है। तो दूसरे बेडरूम का जो साथ अटैच वॉशरूम है इसका रास्ता बाहर से रखा गया है ताकि अंदर की जो स्पेस है इसको कबर्ड के तौर पे यूज़ किया जाए। यहाँ पे LED पैनल लग सकता है, बाहर LED पैनल लग सकता है, तो यहाँ पे 2 बेडरूम नीचे हैं। और ऐसे ही अंदर से सीढ़ी चढ़ के हम ऊपर जाके देखते हैं, एक बेडरूम ऊपर भी बना हुआ है। तो कम बजट में अगर आप घर ढूंढ रहे हैं तो ये जो कोठी है इसका डिज़ाइन भी बहुत सुंदर बनाया हुआ है ताकि अंदर से जो सीढ़ी चढ़ के ऊपर आए और ऊपर आते ही ये हॉल बन गया। इसमें हम किचन की प्रोविज़न भी दे सकते हैं, इसमें हम क्योंकि इसका वॉशरूम है वो बाहर है, बिल्कुल बाहर जाके सामने वॉशरूम है और छत के ऊपर भी टाइल लगा दी है और यहाँ इसका वॉशरूम है। वॉशरूम के अंदर भी आप देखें तो टाइल्स का काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है, आप एक थोड़ा नज़र मार लें कि टाइल्स का काम भी पूरा हो चुका है। तो ये कोठी जो है ये फिनिशिंग एंड पे आ चुकी है, यानी कि 1 महीने के अंदर अंदर ये चाबी इसकी आपको मिल सकती है अगर आप इसको आज आके फाइनल करें। फीचर मैं बता देता हूँ, गेटेड सोसाइटी है, 70 गज का प्लॉट है, 3 बेडरूम हैं, 2 नीचे है, 1 ऊपर है, ऊपर प्लस ये वेड़ा भी है धूप सेकने के लिए, बैठने के लिए, कपड़े सुखाने के लिए, इसको भी आप कवर कर सकते हैं, 1 मंजिल और ऊपर बना सकते हैं। 3590 इसका रेट है और जो
इस बजट में कोठी ढूंढ रहे हैं 3 BHK, उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है। लोन यहाँ पे हो सकता है, प्रधानमंत्री आवास योजना, बैंक लोन, ये सब कुछ यहाँ पे फैसिलिटी अवेलेबल है, नक्शे इसके पास हैं। और यहाँ से अगर हम बाहर निकलेंगे तो 1 किलोमीटर पे हमारा नेशनल हाईवे आ जाएगा और वहाँ से सीधा चंडीगढ़ जाने के लिए आपको जस्ट 10 मिनट लगेंगे। जब यहाँ से बाहर निकल के 1 किलोमीटर बाहर निकल के आप वहाँ से चंडीगढ़ जाने के लिए आपको नॉन स्टॉप 10 मिनट में आप चंडीगढ़ पहुँच जाओगे। तो उस एंगल के साथ अगर हम चंडीगढ़ से 10 से 15 मिनट की दूरी के ऊपर एक गेटेड सोसाइटी के अंदर, एक अप्रूव्ड एरिया के अंदर एक कम बजट की कोठी देख रहे हैं, तो ये 70 गज की कोठी 3 बेडरूम की आपके लिए एक परफेक्ट चीज़ हो सकती है। इस वीडियो को देखने के बाद नीचे नंबर लिखा हुआ है, फ़ोन करें और हमारी टीम से अपॉइंटमेंट लेकर आप इसको एक बार देखने जरूर आएँ। अगर आपका बजट इसमें है तो ये 2 ही कोठियाँ हैं और 2 कोठियाँ अभी फिनिशिंग लेवल पे हैं और उम्मीद है कि ये जल्दी सेल हो जाएंगी। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और इस बजट में कोठी ढूंढ रहे हैं तो ये कोठी को मिस ना करें, इमीडिएट देखें और आके इसको फाइनल कर लें। आने वाले समय में इसका रेट भी महंगा होने की पूरे चांसेस है। अगर आपको 70 गज कम लगता है तो हम आपको इसी रेंज में, इसी सोसाइटी में 100 गज की कोठी भी दिखा सकते हैं, उसका रेट 4590 है। तो ये 3590 है, वो 4590 है, फ़र्क कितना है, सिर्फ 30 गज का है और रेट का प्राइस है 10 लाख रुपया। तो वो वाली ऑप्शन भी आपको यहाँ पे मिल सकती है। चंडीगढ़ से यहाँ की दूरी सेम रहेगी, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, खाली प्लॉट के साइज के हिसाब रूम का साइज बड़ा हो जाएगा और रेट जो है 10 लाख बढ़ जाएगा। वो कोठी भी हम आपको दिखा देंगे जब आप ये कोठी देखने आएंगे। propertyupdates.com हम propertyupdates.co.in हमारी वेबसाइट है, उसके ऊपर भी आप जाकर उसका फर्स्ट पेज पे जब खोलेंगे तो वहाँ पे क्लिक करते ही आपको बजट की ऑप्शन आ जाएंगी, यानी कि उस वहाँ पे पूछा जाएगा कि आपका बजट कितना है। सपोज आपका बजट 25 से 35 है, तो जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो पूरे मोहाली के अंदर 25 से 35 की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ अवेलेबल हैं, चाहे वो प्लॉट हैं, फ्लैट हैं, कोठियाँ, सब की वीडियो वहाँ आ जाएगी। तो आपको कहीं और ढूंढने की जरूरत नहीं है, propertyupdates.co.in पे आएँ, वहाँ पे आपके अपने बजट में क्लिक करें और अपनी पसंद की, अपने बजट की सारी प्रॉपर्टीज़ को एक ही जगह पे देख लें आराम से। उसके बाद आप हमें कॉल कर विजिट करें, देखें, फाइनल करें। अगर आपको कोई ऑलरेडी प्रॉपर्टी पसंद है और आपको डर लग रहा है कि कहीं आप फंस ना जाएं कि गलत प्रॉपर्टियां ले लें, तो आप हमसे प्रॉपर्टी वेरिफिकेशन भी करा सकते हैं, वो सर्विस भी हम प्रोवाइड करते हैं। उसके चार्जेस सिर्फ 1100 रुपये हैं और तहसील के अंदर ही हमारा ऑफिस है। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी बाय कर रही है तो आपकी उसकी रजिस्ट्री भी हमसे करवा सकते हैं। अगर आपको बिल्डर कहे कि नहीं हमारी तो सेटिंग है, तो आप कह सकते हैं कि नहीं, क्योंकि बायर ने ही खर्चा पे करना होता है और रजिस्ट्री खर्चा आपने पे करना होता है, तो आप अपनी मर्जी के बंदे से रजिस्ट्री करवा सकते हैं, तो आप वो सर्विस हमसे भी ले सकते हैं। तो ये एक फैसिलिटी भी हम दे रहे हैं, नक्शा पास कराना है, कंस्ट्रक्शन करानी है, रेनोवेशन करानी है, ये सारी चीज़ों के लिए भी हमारे पास टीम है, हम उसमें भी आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपके काम की होगी, इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। हमारा वेब पेज है फेसबुक के ऊपर, उसको भी आप लाइक कर दें, उसको भी शेयर सब्सक्राइब कर दें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो, एक नई प्रॉपर्टी। धन्यवाद।